तो कहा प्रायेण अल्पायुष्यः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्यः युपद्रुताः। कलयुग में लोगों की स्थिति यह होगी प्रायेण अल्पायुष्यः सभ्यः, प्रायः लोग, पहली बात तो यह है कि अल्पायु होगी, बहुत कम आयु होगी, क्योंकि पहले के समय में तो लोग लाखों वर्ष जीते थे, हजारों वर्ष जीते थे, 100 के तो ऊपर ही उनकी आयु होती थी, लेकिन कलयुग में लोगों की आयु बड़ी ही न्यून रहेगी, बहुत कम होगी। अब कम आयु का घाटा यह है कि जब आयु ही बहुत कम होगी तो क्या भगवान का भजन करेंगे, क्या संसार को भोगेंगे, सीखेंगे, भजन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे? यदि इतनी कम आयु है, हम वेद शास्त्रों को पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा, लेकिन शास्त्र खत्म नहीं होंगे, इतना वेदिक वांग्मय है। तो कहा पहली बात तो यह है प्रायेण अल्पायुष्यः सभ्यः, फिर कहा कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो। पहली कमी तो यह है कलयुग की कि लोगों की आयु बहुत कम है। दूसरी बात मंदाह सुमंद मतयो, आयु कम है, ऊपर से लोगों में दिमाग भी नहीं है। भागवत में वर्णन है मंदाह सुमंद मतयः, उनकी मति बड़ी मंद है, कम बुद्धि के लोग हैं, बुद्धि बहुत न्यून है। ऐसी स्थिति में वे जान ही नहीं पाते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, क्या उद्देश्य है, उनको नहीं पता। तीसरी बात मंद भाग्यः युपद्रुताः, समय कम है, बुद्धि नहीं है, ऊपर से उनके भाग्य भी बड़े मंद हैं, और इस कारण से कलयुग के लोगों की बड़ी ही दुर्दशा है।